और यार हमें कोई आइडिया नहीं था कि एसी इतना उत्पात मचाएगा रात को, लेट नहीं ना, बहुत भयानक ठंड लग रही थी। सर अभी आप लोग कह रहे होंगे बस में थे, ई रिक्शा में क्या कर रहे हैं? अभी हम दो बंदे हैं जिनको टिकट वहाँ से मिली नहीं, बट देखते हैं क्या पता बस में मिल जाए। फाइनली पहुंच गए मसूरी और जाम लगना हो चुका है शुरू। टाइम देख लेते हैं एक बार। अब ये उठ जो सुबह हो गई। ओए होए 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 होए, पूरा दून वैली का व्यू है यहाँ से। सो गाइस टाइम हुआ है 10:22 का और हमेशा की तरह हम लेट। अभी थंबनेल टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा कहाँ जा रहे हैं। बस क्या बताऊँ, मेरा दिमाग इस टाइम पे ऐसा घूमा हुआ है ना, वो तो शुक्र है भैया आ गए टाइम से। मतलब टाइम से क्या, मैं ऑलरेडी लेट हूँ, तो मैं नीचे उतरा टावर से तो मेरे को भैया मिल ही गए थे। अब देखते हैं यार कब तक पहुँचते हैं। सो कश्मीरी गेट जाना है अभी मेरे को और बस का बोर्डिंग टाइम है 11 बजे का, बाकी चलने में और 15-20 मिनट लेट होगी, तो देखते हैं। बाकी सोसाइटी को कर देते हैं बाय बाय थोड़े टाइम के लिए, बाकी बातें अभी करते रास्ते में, थोड़ा सा मैं दिमाग अपना स्टेबल कर लूं उसके बाद। बस ये कि जल्दी पहुंचे, भैया को मैंने बोल तो दिया जहाँ मौका लगे भगा लेना, बाकी अब देखो यार जितना टाइम लगे उतना तो लगेगा ही। हे भगवान। तो जी ऐसा है कि पिछली सीरीज अपनी ख़त्म हुई है अभी जस्ट कुछ दिन पहले, उड़ीसा की फैमिली के साथ गए थे। आप लोगों ने कुछ ने देख ली होगी, कुछ ने जिन्होंने नहीं देखी जल्दी से जाके देख लो, चैनल पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। 2 दिन का टाइम है अपने पास, मैंने करण को मनाया जैसे तैसे, और मनाया क्या वो भी माना पड़ा था यार। दिल्ली में आपको पता है दिल्ली NCR में कैसी भीषण गर्मी पड़ रही है, गंदी वाली, और ऐसी गर्मी है कि 10 मिनट के लिए आप दिन में बाहर चल लो तो फिर ऐसा लगता है बस अब गए अब गए। तो बस थोड़ा सा माइंड कूल करने के लिए जा रहे हैं जी पहाड़ों में, जैसे कि बताया था थंबनेल टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा कहाँ जा रहे हैं। तो फिलहाल जा रहे हैं मसूरी और मसूरी से आगे थोड़ा जाएंगे एक जगह जहाँ पे मैं अभी तक नहीं गया, और वहाँ चल के देखते क्या है हिसाब किताब। अभी तक ऐसा है कि बहुत ट्रैफिक है पहाड़ों में, बहुत ज़्यादा, बट यार बहुत दिनों से वेट कर रहा था और बस ये अब वेट नहीं हो रहा, टाइम जैसे ही मिला चलते हैं। जो भी मिलेगा पहाड़ों में ट्रैफिक कुछ भी होगा देखी जाएगी, जहां तक पहुंचे एटलीस्ट पहुंचे तो सही कहीं पे, जैसा भी होगा ट्रैफिक अपडेट, कितने लोग हैं, भीड़ भाड़ क्या सीन है क्या नहीं, जो भी होगा वो अपडेट मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को वीडियो के थ्रू देता रहूंगा। बट ये है कि शहरों से बाहर निकल के पहाड़ों में पहुंचे किसी तरह जल्दी। और टाइम अभी हो चुका है 22, मतलब 10:28, 10:30 का समय है, और आधे घंटे के लगभग मैं पहुंच जाऊंगा कश्मीरी गेट। जैसा कि आप लोगों को बताया था 11 बजे का बोर्डिंग टाइम है अपनी बस का, बस कैसी है किससे जा रहे हैं वो भी सब आप लोगों को दिखाऊंगा रास्ते में कितना टाइम लगेगा। सो यहां से पहले पहुंचने वाले हैं सुबह सुबह हम लोग देहरादून, और देहरादून के बाद फिर जाएंगे वहाँ से लोकल बस लेके मसूरी के लिए सुबह सुबह ही, और साथ में मेरे जा रहा है करण जिसको आप लोग जानते हैं, मेरे बहुत सारे वीडियोस में देख ही चुके हैं आप लोग। सो करण चिल्ले अभी, करण मेट्रो में ऑलरेडी बैठ चुका है, मैं बहुत लेट हो रहा था इसलिए मैंने कैब कर ली। मेट्रो का ऑप्शन वैसे भी यहाँ से थोड़ा ये दूरी है सेक्टर 62 का नोएडा का और सेक्टर 52, तो इस टाइम जाना मैंने प्रेफर नहीं करा। बाकी चल रहे हैं यार अभी, और भैया हमारे साथ साथ जा रहे हैं लेके हमें। भैया क्या नाम है आपका? ब्रिजेश। ब्रिजेश नाम है भैया का। ब्रिजेश भैया यहीं से आप दिल्ली से NCR से कहाँ से? गाजियाबाद से। तो भैया हमारे गाजियाबाद से हैं जी, और हमारे अंदर अभी तक मतलब अभी तक दिल्ली वाला भूत जा नहीं रहा, क्या बताऊँ यार, मतलब नए घर में मन बिल्कुल नहीं लग रहा, बचपन से अब तक दिल्ली में बिताया हुआ समय, उसके बाद सडनली यहाँ आ जाना ग्रेटर नोएडा में, तो कोशिश कर रहे हैं और कोशिश हमेशा सफल ही होती है। बाकी और भी चीज़ें चल रही है लाइफ में, आने वाले टाइम में आप लोगों को बताएंगे। चलो अब आप लोग रास्ते के कुछ शॉर्ट्स देखो, बहुत कर ली बातें, आगे चल के मिलते हैं आप लोगों से। सुजी एक हो गई थी थोड़ी प्रॉब्लम अभी, हम लोग NH24 पे वापसी में आ रहे थे अभी कश्मीरी गेट के लिए, इतने में बस ड्राइवर का कॉल आ गया, उसने मेरे को बताया कि अगर आप ग्रेटर नोएडा से आ रहे हो तो अक्षरधाम से ही बैठ जाते,
मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था, बस अक्षरधाम आएगी क्योंकि कश्मीरी गेट बस ऑलरेडी पहुंचने वाली है, हम यहाँ से कश्मीरी गेट टाइमली पहुंचते नहीं, तो ये अच्छा है कि चलो अब वापसी यू टर्न लेंगे, पर बहुत लंबा यू टर्न लेना पड़ा है। अब वापस जा रहे हैं अक्षरधाम की तरफ, करण को मैंने बुला लिया वहीं पर, मेट्रो से आ रहा है वो, अक्षरधाम पे पहुंच के वेट करते हैं। अब अक्षरधाम पे ही मिलता हूँ आप लोगों से, फिर करते हैं बाकी बातें। जी मैं उस टाइम पे अक्षरधाम मेट्रो पे, 11:30 के लगभग का टाइम है और अब जो लास्ट मेट्रो आई है ये अक्षरधाम मेट्रो पे, इसमें आया है करण और बस भी अपनी आने वाली है। जैसा कि लास्ट शॉट में आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं अक्षरधाम उतर रहा हूँ और अक्षरधाम से बस लूँगा, बाकी बातें बस में बैठ के करेंगे। एक बार ठीक से आप लोगों को बताऊँगा क्या सीन हो गया था क्या नहीं। अब इसमें से करण उतर के आ जाए, बस एक बार और फिर अपनी बस आएगी, फिर बैठेंगे जी बस में। और ये अक्षरधाम मेट्रो अपने सामने। A few moments later. ये आ चुका है करण भी लास्ट मेट्रो पकड़ के। टाइम देख लो एक बार, 11:41 भाई, फाइनली आ गया। कैसे हूँ? पहुंच गया करण भी और 12:15 के लगभग का टाइम हो गया, बस भी अपनी पीछे ही है, बस आने वाली है। अब थोड़ा जान में जान आ गई, भाई अपना पहुंच चुका है और अब टेंशन नहीं है, बस आ जाए और बैठेंगे बस में। क्या जरा एक्सपीरियंस आने में मेट्रो ज्यादा पैदल वॉक किया है मैंने सोचा। मेरा तो रास्ता चेंज हुआ ही हुआ था कश्मीरी गेट जाने की वजह, यहाँ अक्षरधाम आना पड़ा। इसको मैंने बीच में फोन करके बोला अक्षरधाम आने के लिए, तो इसको भी बीच में रास्ता बदलना पड़ा अपना मेट्रो से, तो दिक्कत तो इसको भी बहुत हुई है। बट फाइनली हम दोनों मिल चुके हैं और अपनी बस आने वाली है, फिर बैठते हैं बस में और बाकी बातें करेंगे बस में। चलो मिलते हैं अगले शॉट में। तो जी बस आ चुकी है अपनी अक्षरधाम पे, 4377 यूपी नंबर ये वाली बस है। बस में आ चुके हैं अपनी। हाँ भाई करण, मैंने जूते सॉक सब खोल दिए। सो सही है अपना, हमने स्टार्टिंग में ही कर ली थी अपनी फर्स्ट वाली ऊपर की। अच्छा सोते हो जाएंगे यार स्लीपर पे आराम से। भाई बस में बैठ चुके हैं और मजा आ रहा है, स्पेस बहुत अच्छा है, स्पेशियस है काफी। इसको देख लो जरा, फैल चुका है बंदा पूरी तरह, बैग्स बॉटल पानी वगैरह सब अपना सामने आ चुका है। बस अब चलने का वेट है, खड़ी खड़ी बस में मजा नहीं आता, बाहर का कुछ नजारा देख लेते हैं। बहुत ज्यादा लंबा कोई सफर नहीं है देहरादून में, ज्यादा से ज्यादा 6-7 घंटे लगेंगे ट्रैफिक नहीं मिला तो। देहरादून के बाद क्या हिसाब रहेगा वो देखते हैं, आप लोगों को दिखाते भी रहेंगे क्या क्या चल रहा है ट्रैफिक का अपडेट। एग्जैक्ट 12 बज चुके हैं, अभी भी चली जो हल्का हल्का हिल रही है बस। कैसा लगा करण, मजा सा आया थोड़ा? भाई मजा तो अब आएगा जब चलेगी। अभी तो वेट ही कर रहे हैं बस के चलने का, भी कुछ चल रही है खुराफाते जरा। जेल में तो चलेगी, जेल पे पापा तकिया नहीं है, तकिया बेटा घर में नहीं हो। बोल रहे हैं चल जा भाई चल जा, चल गई बस चल गई। तो जी रात को तो क्या ही ब्लॉग करेंगे, अंधेरे अंधेरे में क्या ही दिखाएंगे, ऊपर से विंडो गंदी है, बाहर का भी रात का क्या ही सीन देखोगे। तो वही मिलेंगे आप लोगों से, कहना करण तेरे को कुछ? मैं तो सुबह का वेट कर रहा हूँ बस, वही कहना है। मेरा भी यही सीन है भाई, सुबह का ही वेट कर। दिल्ली की चिल्चाल गर्मी को छोड़ के, पहली NCR की भट्टी को छोड़ के पहाड़ों में पहुँचने की जल्दी है बस, किसी तरह जल्दी से पहुँच जाए, ट्रैफिक तो अच्छा कोई नई चीज है, कोकोनट शॉट्स ट्राई करेंगे। Good morning.
खूबसूरत और पहुंचने वाले हैं देहरादून। अभी जस्ट अभी उठे करण और मैं, थोड़ा सा टाइम हुआ उठे हुए। और यार हमें कोई आइडिया नहीं था कि एसी इतना उत्पात मचाएगा रात को, लेट नहीं ना, बहुत भयानक ठंड लग रही थी, ऊपर से ये पेन कर रहे हैं मेरे अभी शोल्डर्स, तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो करण तो अपना ये गमछा लेके उठ के सोया, मैंने ये टॉवल निकाली, ये पूरी आ भी नहीं रही थी, थोड़ा थोड़ा ये टॉवल ओढ़ी मैंने, ये एक टी शर्ट में लाया था रात को पहनने के लिए सोने के लिए, ये निकाली मैंने, इसके अंदर दोनों हाथ फंसाए और हाथ फंसा के ऐसे जकड़ के जैसे तैसे काम चला के सो गए, फिर आ गई थी नींद। नहीं तो ये छोटा सा जो ऊपर एरिया है ना, इसमें से ऐसा फ्लो आ रहा है एसी का, ये तो चलो फ्लैप हमने बंद कर दिए थे दोनों रात को, लेकिन पूछो मत यार जो हालत हुई ना थोड़ी देर के लिए। तो उतरते देहरादून फिर मिलते हैं आप लोगों से। सर अभी आप लोग कह रहे होंगे बस में थे, ई रिक्शा में क्या कर रहे हैं, तो ई रिक्शा कर लिया हमने बस स्टैंड आने के लिए, जहाँ से हमें मसूरी के लिए बस मिलेगी। थोड़ा साथ ही कुछ चाय वाय पी लेंगे यार, क्योंकि चाय की तलब लग रही है, अब सुबह हो चुकी है, टाइम देख लेते हैं एक बार। 7:45 का टाइम है, 6 किलोमीटर लगभग है यहाँ से बस स्टैंड चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि बस क्या मिलती है क्या नहीं। ये चल रहा है अपना देहरादून। अब यहीं तो दिलीप के साथ में वो लिया था छोले भटूरे जब पहले आए थे ना, तुम लोग लेना है सोचता जब कहीं से लिए थे छोले भटूरे। About that tonight, just remember the flame, you remember the flame, all right. सर मसूरी बस अड्डे पे पहुंच चुके हैं, बस स्टैंड पे, अभी टिकट लेने की बजाय हम लोग खड़े हो गए यहाँ पे क्योंकि भूख इतनी तेज़ लग रही है। टाइम देख लेते हैं, 7:10, हमने बोला ब्रेड ऑमलेट दो, ब्रेड ऑमलेट खाएंगे, चाय पियेंगे और उसके बाद टिकट का तब देखेंगे। पहुंचने की दिक्कत नहीं है जी, पहले पेट भर जाए, अभी तो हल्के भी होना है यार, ऊपर पहुँच के होंगे पहाड़ पर। एक तो लग चुका है अपना, अभी एक बन रहा है वहाँ पर चाय, अपनी मेरी चाय बढ़िया है। एक आ रहा है अभी, फिर खाना स्टार्ट करते हैं, फिर लेते हैं टिकट विकेट। यार बस में तो बैठ चुके हैं बट अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। अभी हम दो बंदे हैं जिनको टिकट वहाँ से मिली नहीं, बट देखते हैं क्या पता बस में मिल जाए। अभी यहीं खड़े हैं बस स्टैंड पे अपना, क्या नंबर है मैं वेट करूँ, चल जाए एक बार तो बाहर से कुछ नज़ारे शूट करें जरा। बाकी ये भी अपना मसूरी जा रही है, सामने वो भी मसूरी जा रही है। इधर ले लो क्या? ले लो पहले इधर सीट नहीं है। ना ना किसी को नहीं है, मैं से बोल रहा हूँ। नहीं भाई मसूरी अपना रह गया 300-400 मीटर कम से कम। ये रहा सामने, जाम लगा पड़ा है अभी, ये वाला तो नॉर्मल जाम इतना लगता है मसूरी में, बाकी ज़्यादा टाइम लगेगा तो पैदल निकल जाएंगे उधर के, वैसे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अभी। और ये रहा हमारा दोस्त, भाई बस पहुँच ही गए मसूरी, ये रहा बस हल्का सा हो रहा है, उतर ही रहा से हम, ये ले लिया बुढ़िया का बाल, बुढ़िया के बाल।
जी फाइनली पहुंच गए मसूरी और जाम लगना हो चुका है शुरू। टाइम देख लेते हैं एक बार, टाइम दिख क्यों नहीं रहा यार, 9:27 हो रहे हैं। आ गया करण, आ गया मजा, चल रहे थोड़ा सा मशक्कत करने सीढ़ियों से ऊपर मॉल रोड की तरफ, फिर लेते चल के रूम वगैरह। धूप तो यहाँ भी अच्छी खासी है, हालांकि छाँव में थोड़ी ठंडी हवा लग रही है तो मज़ा आ रहा है। ये है कि दिल्ली एनसीआर से तो बहुत बढ़िया है यार। ओए होए 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 होए, करारी सी धूप आ रही है, देख लो करण व्यू। लेकिन हवा में पता लग रहा है। हाँ, वो तो पहुँच ही गए मॉल रोड। ये शॉर्टकट है जी, देख लो लाइब्रेरी चौक के यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के। क्या हो गया भैया, वो चक्कर उक्कर आ गई क्या भैया? उठ जाओ, सुबह हो गई, यही सुबह आनंद ले रहे हैं भैया। अभी तो 9:30 का समय है सुबह का, और मॉल रोड का नज़ारा कुछ ऐसा है मसूरी का, मतलब अभी जो भीड़ एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा कुछ है नहीं। अभी तो शॉप्स भी पूरी नहीं खुली, पीछे भी देख लो। और सैटरडे है आज, 1 जून 2024। भीड़ मिलेगी नहीं इस टाइम? तो वैसी नहीं होती, शाम के समय हो जाती है भीड़ ज़्यादा। अभी तो धूप भी आ गई ना, लोग ज़्यादा बाहर निकलते नहीं। हाँ, होटल अति थी पता करें। हाँ, यार धूप तो यहाँ की भी कुछ कम नहीं है, सुबह सुबह की धूप है लेकिन अच्छी खासी चुभ रही है, पसीने भी आ रहे हैं। पर ये यहाँ की छाँव में ठंडा क्या है, जैसी छाँव में पहुँच रहे हैं थोड़ा सही लग रहा है। दिल्ली एनसीआर से तो बहुत बढ़िया है यार, मतलब ठीक है, इतना वेरिएबल है, चल जाएगा काम। होटल की तलाश में दो मुसाफिर, दो राहगीर। इसमें तरंगी में ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, 5-6 हज़ार तक का बैठेगा, हमारी ट्रिप का पूरा बजट निकाल देगा। यहीं मिलेंगे फिर हम यहाँ से दिल्ली। दिल्ली जाने के पैसे भी इनसे लेने पड़ेंगे। कुछ पी लें क्या यार करण? सोडा देखते हैं फिर, मिले भी तो सही, अभी तो मॉल रोड ही ठप सा पड़ा हुआ है। हाँ, तो भैया बता रहे थे नीचे वाले कि ये भी बढ़ेगा जाम। यहाँ पता करें क्या है ये? सोचिए, होटल की तलाश करते करते हम लोग पहुँच गए हैं होटल में, और कहाँ रुके हैं, कैसे पहुँचे, सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल तो मतलब इतना बढ़िया लग रहा है जहाँ मैं बैठा हूँ, आप लोगों को देख के भी अच्छा ही लग रहा होगा, देख लो नज़ारा कुछ ऐसा। और अभी तो अपना कोल्ड ड्रिंक ली थी नीचे से, वही पी रहे हैं। करण थोड़ा सा अपनी थकावट मिटा रहा है। नज़ारा देख लो जी एक बार, ओए होए 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 होए, पूरा दून वैली का व्यू है यहाँ से। ये नीचे मॉल रोड है अपना, अभी हालांकि क्राउड आना शुरू हो गया नीचे, वहाँ से आ रहे थे हम तो जाम लग भी रहा था नीचे थोड़ा थोड़ा, अभी बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा पर आज एक्सपेक्टेड है कि क्राउड आएगा बहुत सारा। मैं हूँ जी इस टाइम पे मसूरी में, और मसूरी में रुके हैं किस होटल में, अभी नाम वगैरह सब बताऊँगा आप लोगों को। अभी जस्ट चेक इन करा ही था हमने, और टाइम देख लेते हैं, टाइम हो रहा है 10:17। अभी आगे के जो जो प्लान्स हैं वो भी आप लोगों से डिस्कस करेंगे। बाकी बस में जिसमें आए थे हम लोग, कैसा लगा आप लोगों को रास्ता वास्ता सब कुछ, जैसा भी ट्रैवल था हमारा सारा मैंने दिखाया आप लोगों को। जो भी चीज़ अच्छी लगी हो कमेंट करके आप लोग बिल्कुल मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, कमेंट में कुछ भी लिखना हो बिल्कुल लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना यार, कोई भी नया बंदा अगर वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप लोग वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ। इससे अगला वीडियो मैं बनाऊंगा डेडिकेटेड इस होटल के लिए, ताकि आप लोग अगर ऐसा कपल आ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे रुकने का क्या प्रोसीजर रहेगा, कहाँ पे कैसे आना है। आप प्रॉपर्टी के जो ओनर हैं वहीं पे उनसे बात करा दूंगा आप लोगों की, सारा वो लोग आप लोगों को क्लैरिफाई कर देंगे, एड्रेस वगैरह जो भी होगा। बाकी आप लोगों को रूम दिखाएंगे अगले वीडियो में, तो उसके लिए बने रहिएगा चैनल पे और अगले वीडियो का वेट करिए, आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाएंगे। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। व्लॉग तो हालांकि मैं एंड कर चुका था, लेकिन एक चीज़ दिखाना भूल गया था, हमने ब्रेकफास्ट यहीं मंगा लिया था अपना टेरेस पे। टेरेस क्या बड़ी सी बालकनी है, यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह है सारा, मैंने आप लोगों को लास्ट शॉट में दिखाई दिया था, ये रहा अपने सामने। और ये देख लो जी, ये मंगाया हमने कुछ ब्रेकफास्ट अपना, ब्रेड ऑमलेट मैंने अपने लिए, करण खाएगा ब्रेड बटर, साथ में है लेमन टी, और बस बढ़िया है माहौल ऐसे कुछ नज़ारे के साथ, और मज़ा सा आ रहा है, बहुत बढ़िया है व्यू, फील, वाइब,
जो भी कहना है, मतलब नज़ारे एक नंबर है। अगली वीडियो में सब कुछ देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाई जाएगी होटल के लिए, और जहाँ जा रहे हैं वो चीज़ भी आप लोगों को दिखाऊंगा, जगह और कैसा ट्रैफिक है, कैसी भीड़ भाड़ है। आज सैटरडे है, 1 जून आज से सीज़न स्टार्ट हो गया मसूरी में, तो जैसा भी जो भी रहेगा आप लोगों को वीडियो के थ्रू दिखाते रहेंगे साथ साथ। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।